कहानी शुरू होती है एक कार रेस से, और हमेशा की तरह गार्नियस नाम का रेसर लीड कर रहा होता है, और उस रेस को थियो नाम का एक स्नेल टीवी पे देख रहा होता है। उसका भी हमेशा से सपना था कि वो भी एक दिन एक रेसर बनेगा। वो गार्नियस को ही अपना आइडल मानता था। उसे जब भी मौका मिलता वो उसका इंटरव्यू सुनता था। गार्नियस अपने इंटरव्यू में कहता है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता और सपना देखने वाला कभी छोटा नहीं होता। ये लाइन थियो को हमेशा मोटिवेट करती थी। थियो का बड़ा भाई चेट उसके रेसर बनने के सपने को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता था कि वो एक स्नेल है और वो कभी भी एक रेसर नहीं बन सकता, पर उसकी कोई भी बातों का उस पर कोई असर नहीं होता था। वहीं के एक गार्डन में थियो बहुत से स्नेल के साथ रहता था। उन सबका बस एक ही काम था, वहाँ के पौधों से पके हुए टमाटर को इकट्ठा करो और फिर आराम से खाते रहो। पर वहाँ भी थियो उन टमाटर को लुढ़का कर उनसे रेस करने की कोशिश करता था, जिसे देखकर वहाँ के सारे स्नेल उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। चेट उससे कहता है कि वो कब अपने सर से इस रेस का भूत उतारेगा। वो ये क्यों नहीं समझता कि वो एक स्नेल है और कुदरत ने उन्हें ऐसा नहीं बनाया कि वो एक रेसर बन सके। उसे ये बात मान लेनी चाहिए कि वो एक बहुत ही सुस्त और बेजान जीव है। इस बात को वो जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। तभी वहाँ के घर से एक बच्चा अपनी बाइक लेकर बाहर निकलता है। उसे अपने पास जो भी कीड़ा दिखाई देता था वो उसे अपने बाइक से कुचल देता था। सारे स्नेल उसे देखकर अपने सेल में छुप जाते हैं। रात में फिर से थियो गार्नियस का इंटरव्यू देख रहा होता है, जिसमें वो कह रहा था कि हर रेसर के जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे कुछ सेकंड्स में डिसीजन लेना होता है कि पीछे हटे या आगे बढ़े, एक चांस लेकर सब कुछ दांव पे लगा दे या सेफ खेलते हुए हार को गले लगा ले। अगले दिन वो सब स्नेल फिर से अपने गार्डन में टमाटर खा रहे होते हैं। तभी एक बड़ा सा पका हुआ टमाटर गिरता है, पर वो लुढ़कता हुआ उनके गार्डन से बाहर गिर जाता है। सारे स्नेल उसे खाने के लिए उसकी तरफ जाने का सोचते हैं। तभी चेट सबको रोक कर कहता है कि आज घास कटने का दिन है, और तभी एक आदमी अपने घास काटने की मशीन लेकर वहाँ आता है। सारे स्नेल वापस चले जाते हैं। तभी थियो चेट से कहता है कि तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। वो उस टमाटर की तरफ देखता है और उसे गार्नियस की बात याद आती है कि एक चांस लेकर सब कुछ दांव पे लगा दो या फिर हार को गले लगा लो, और वो उस टमाटर की तरफ बढ़ने लगता है। चेट उसे वापस आने को कह रहा होता है, पर थियो को अब वो एक रेस जैसा लग रहा था। उसे घास काटने वाले से पहले टमाटर तक पहुंचना था। वो अपनी पूरी स्पीड के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, पर उसकी स्पीड इतनी कम थी कि बहुत जल्द वो घास काटने वाली मशीन उस तक पहुंचने ही वाली थी और वो उसमें कटकर मरने ही वाला होता है। तभी चेट पाइप के पानी की फोर्सिंग से उसे मशीन से कटने से बचा लेता है। चेट उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें मरने का शौक है क्या, तुम्हारा दिमाग कहाँ है। थियो उदास होकर वहाँ से चला जाता है और वो रोड के किनारे आ जाता है। तभी एक बड़ा सा ट्रक उसके पास से गुजरता है और वो उड़ता हुआ वहाँ से दूर एक कार के बोनेट पे गिरता है, जो एक रेसिंग कार थी और रेस स्टार्ट हो चुकी थी। और थियो उस गाड़ी के बोनेट पे होता है। पहली बार उसने इतनी तेज रफ्तार का अनुभव किया था, उसे बहुत मजा आ रहा होता है। तभी एक झटके से वो कार के इंजन के अंदर चला जाता है। उस कार का ड्राइवर अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करता है और वो थियो के अंदर भी चला जाता है। उसके सेल में बदलाव होने लगते हैं और तभी वो कार से बाहर निकलकर रोड पे गिर जाता है। सुबह उसकी आँख खुलती है और वो वहाँ पे अपने आप को अकेला पाता है। वो वापस से अपने गार्डन में आ जाता है। तभी वो अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करता है। उसके दोनों आँख किसी कार के हेडलाइट जैसे चमक रहे होते हैं और उसके सेल के पीछे भी लाइट जलने लगी थी। वो इन सबको देखकर बहुत हैरान था। उसकी हरकत एक कार जैसी होने लगी थी। वो इन्हीं सबसे परेशान होकर वहाँ घूम रहा होता है। तभी वहाँ वही बाइक वाला बच्चा आता है जो उसे कुचलने वाला होता है, पर वो बहुत तेजी से उससे बचकर भागने लगता है। उसकी स्पीड अब काफी बढ़ चुकी थी। वो अपनी स्पीड से उसे उसके बाइक से नीचे भी गिरा देता है। ये देखकर वो बच्चा उससे डरकर घर के अंदर भाग जाता है। थियो अपनी स्पीड देखकर बहुत खुश था। वो उस बाइक को ले जाकर उस गार्डन में टकरा देता है, जहाँ बहुत से स्नेल अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं। इन सारे स्नेल का लीडर कार्ल थियो और उसके भाई चेट पे बहुत गुस्सा करता है और उन दोनों को अपने समाज से बाहर निकाल देता है। चेट इसके लिए थियो पे बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि वो कब तक उसकी गलतियों के लिए सबसे माफी मांगता रहेगा। थियो अपने अंदर होने वाले बदलाव को उसे बताने की कोशिश करता है। तभी एक क्रो आकर चेट को अपने पंजों में उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। थियो अपनी पूरी स्पीड से उसका पीछा करता है। वो क्रो चेट को खाने ही वाला होता है कि तभी थियो आकर उसे बचा लेता है। चेट थियो को अपने पास देखकर बोलता है कि ये उसने कैसे किया। तभी टीटू नाम का एक लड़का उन दोनों को पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। वो उन्हें लेकर एक जगह पहुँचता है जहाँ बहुत से लोग पैसा लगाकर स्नेल की रेस करवाते थे। वहाँ और भी बहुत सारे स्नेल्स थे। उन सबको एक छोटे से रेस ट्रैक पे खड़ा कर दिया जाता है और रेस शुरू हो जाती है। थियो चुपचाप खड़ा होता है। वहाँ के बाकी लोग टीटू पे हंस रहे होते हैं कि उसका स्नेल तो चल भी नहीं पा रहा है। तभी थियो अपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ता है। उसके स्पीड से सब कुछ बिखर जाता है।
वो वहाँ के आसपास का पूरा एक चक्कर लगाकर वापस आता है। सब उसे देखकर हैरान थे। जेट उसे साइड में ले जाता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लगता है तुम्हें कोई खतरनाक बीमारी हो गई है। पर थियो उसे कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। टीटू थियो को अपने हाथ में उठा लेता है और उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कहां से आया है, पर वो बहुत कमाल का है। तभी टीटू का भाई उसे आवाज देता है और कहता है कि दुकान में आकर वो कुछ काम भी कर ले, उनका काम टैकोस बेचना है, ना कि स्नेल्स की रेस करवाना। टीटू अपने भाई से कहता है कि अभी तक उसने स्नेल की रेस नहीं देखी है, ये बहुत ज्यादा तेज है और अगर वो इसकी रेस करवाते हैं तो वहाँ लोगों की लाइन लग जाएगी और उनके सारे टैकोस भी बिक जाएंगे। उसका भाई उसे सपने देखना बंद करके काम करने को कहता है। टीटू थियो के लिए एक बेड बनाता है और उसे गुड नाइट बोलकर चला जाता है। कुछ देर बाद उसके पास वहाँ के बाकी स्नेल्स आते हैं। उन सबका हेड विप्लैश नाम का एक स्नेल होता है। वो सब थियो से पूछते हैं कि वो इतना तेज कैसे हुआ। वो उसे अपने गैंग में शामिल होने को कहता है, पर थियो उसे कहता है कि वो लोग बहुत स्लो हैं, इसलिए वो उनके गैंग में शामिल नहीं हो सकता। विप्लैश उसे उनके साथ एक रेस करने को कहता है। थियो इसके लिए मान जाता है। विप्लैश उससे कहता है कि जो सबसे पहले उस चमकते हुए स्टार तक पहुंचेगा वही इस रेस का विनर होगा। रेस स्टार्ट हो जाती है। वो सारे स्नेल दिमाग लगाकर वहाँ लगे तार से स्लाइड होकर जाने लगते हैं। थियो अपनी पूरी स्पीड से उनके पीछे जाता है और बहुत जल्द उनसे आगे भी निकल जाता है, पर वो वहाँ के तार के अंत में घूमता ही रह जाता है और बाकी के स्नेल उससे पहले स्टार तक पहुँच जाते हैं। विप्लैश उससे कहता है कि सिर्फ तेज होने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी होना चाहिए। अगले दिन जेट थियो से कहता है कि तुम कब तक इस टीटू नाम के लड़के के साथ रहने वाले हो, ये तुम्हारा इस्तेमाल अपना धंधा बढ़ाने के लिए कर रहा है। तभी टीटू वहाँ आता है और कहता है कि वो थियो को किसी न किसी तरीके से सब लोगों तक पहुँचाएगा और फिर उनके दुकान के पास उसे देखने के लिए बहुत भीड़ लगेगी। तभी थियो वहाँ इंडी 500 कार रेस का पोस्टर देखता है। वो पूरी तेजी से उस पोस्टर के ऊपर घूमने लगता है और टीटू को बताने की कोशिश करता है कि वो इस रेस में भाग लेना चाहता है। टीटू को उसकी बात समझ में आ जाती है। वो जाकर अपने भाई को इस आइडिया के बारे में बताता है और उसके भाई को स्नेल को रेस में शामिल करने का आइडिया बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि रेस में कुछ नियम होते हैं, वो कभी एक स्नेल को रेस में शामिल नहीं होने देंगे। टीटू कहता है कि उसने रेस के सारे नियम को पढ़ा है और उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा है कि एक स्नेल उसमें भाग नहीं ले सकता, उसे सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने के $2,000 चाहिए। ये सुनकर उसका भाई उससे कहता है कि उसने इतनी मेहनत से ये पैसे जमा किए हैं और वो इसे ऐसे ही बर्बाद होने नहीं दे सकता है। टीटू उसे समझाने की कोशिश करता है कि लाखों लोग उस रेस को देखेंगे और उसके वजह से उनका दुकान भी फेमस हो जाएगा, पर उसका भाई उसकी बात नहीं मानता है। टीटू वहाँ के आसपास के दुकान वालों को पैसे देने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वो उन्हें एक प्रेजेंटेशन बनाकर बताता है कि कैसे उस स्नेल के रेस में हिस्सा लेने से उनकी दुकान पर बहुत से लोग आने लगेंगे और उनका यह स्टारलाइट प्लाजा एक सुपर मार्केट बन जाएगा, पर उन सबको टीटू का आइडिया पसंद नहीं आता है। जेट भी थियो से कहता है कि चलो अच्छा ही हुआ वो रेस में हिस्सा नहीं ले पाएगा, नहीं तो ऐसा ही बेकार में किसी कार के नीचे आकर मारा जाता। तभी वहाँ विप्लैश अपनी गैंग के साथ आता है और उसे कहता है कि वो किसी भी हालत में थियो को उस रेस में शामिल जरूर करवाएंगे और वो सारे स्नेल वहाँ से जाकर एक बस का टायर पंचर कर देते हैं और उनके प्लाजा के पास लेकर आते हैं। वहाँ थियो उस बस के पैसेंजर को अपनी स्पीड दिखाने लगता है जो उन सबको बहुत पसंद आती है। वो सब बस के ठीक होने तक उस स्नेल की रेस देखते हैं और उसकी वजह से वहाँ के दुकानों में भी अच्छी बिक्री होती है। टीटू का भाई उससे बहुत खुश था पर वो अब भी रेस के लिए पैसे देने से मना ही करता है, पर वहाँ के बाकी दुकान के लोग उसे पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस पर पूरा भरोसा है। टीटू उन सबको लेकर रेस में हिस्सा लेने के लिए निकल जाता है। वो अपने भाई का रखा हुआ पैसा भी ले लेता है और उसे सॉरी कह देता है। टीटू रास्ते में थियो का रेसिंग नाम रखने के बारे में सोच रहा होता है, तभी वो सारे स्नेल उसे टर्बो नाम का आइडिया देते हैं और वो सब थियो का नाम टर्बो रख देते हैं। सब थियो को रेस के लिए तैयार करने लगते हैं। अगली सुबह वो सब उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां इंडी 500 चैंपियनशिप होने वाली थी। थियो वहां रेस ट्रैक पे तेज तरार दौड़ती गाड़ियों को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। टीटू वहां के रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाता है और कहता है कि उसके पास एक ड्राइवर है जो रेस में हिस्सा लेना चाहता है। वहां का इंचार्ज उससे कहता है कि पहले उसे रेसिंग टेस्ट पास करनी होगी, तभी वो रेस में हिस्सा ले सकते हैं। टीटू उसे कुछ घूस देकर काम कराने की कोशिश करता है, पर वहाँ के आदमी उसे उठाकर ऑफिस से बाहर कर देते हैं। बाहर गानियस से सारे रिपोर्टर्स सवाल कर रहे होते हैं। तभी थियो टीटू को घसीटता हुआ गानियस के पास ले जाता है और वो उसे कुछ आइडिया देता है। टीटू उन सबके सामने थियो के बारे में बताने लगता है कि यही है इस रेस का अगला विनर। सब एक स्नेल को देखकर हंसने लगते हैं। टीटू थियो को ट्रैक पे उतार देता है। थियो अपनी पूरी स्पीड के साथ रेसिंग टेस्ट देने लगता है। वहाँ के सारे लोग उसकी स्पीड को देखकर हैरान थे। उस रेस में थियो की स्पीड 226 किलोमीटर पर आवर थी जो कि रेस में हिस्सा लेने के लिए काफी थी। थियो की रेसिंग वाली वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो जाती है, सब लोग उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ये खबर इंडिकार के सीईओ तक भी पहुंचती है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सबको बताता है कि वो एक स्नेल को रेस में हिस्सा लेने नहीं दे सकता,
पर वहाँ के सारे लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तभी गार्नियस भी कहता है कि कोई भी रेसर छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए उस स्नेल को भी रेस करने का पूरा हक है। इंडिकार के सीईओ को भी उनकी बातें माननी पड़ती है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, पर जेट अभी भी उदास था। रात में थियो उससे बात करता है कि वो उसके रेस में हिस्सा लेने से खुश क्यों नहीं है। जेट उससे कहता है कि उसे उसकी परवाह है, वहाँ रेस में बहुत सारी गाड़ियाँ होगी, वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। पर थियो उसे कहता है कि उसे अपने आप पे भरोसा है और काश वो भी उस पे थोड़ा भरोसा करता। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वो गार्नियस के गैराज में पहुँचता है। वहाँ उसकी कार को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है। वो उसके जीते हुए चैंपियन कप को देखने लगता है। तभी वहाँ गार्नियस आता है और उसे कहता है कि कहीं उसकी नज़र उसके कप पे तो नहीं है। वो थियो को अपने हाथ में उठाकर कहता है कि कितना छोटा है वो, इसलिए सब लोग उसे रेस करते हुए देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस रेस को देखने के लिए आएंगे, पर हमेशा की तरह जीतना तो उसे ही है। वो थियो से कहता है कि अभी भी मौका है, रेस से वो बाहर निकल जाए, और वो उसे अपने गैराज से बाहर कर देता है। अगले दिन रेस शुरू होने वाली थी। टीटू थियो को गुड लक बोलकर उसके ट्रैक पर रख देता है और रेस शुरू हो जाती है और पहला वार्म अप राउंड शुरू हो जाता है। थियो देखता है बहुत से लोग उसे देख रहे हैं। वो अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है, पर वहाँ इतनी सारी गाड़ियों के आसपास होने से वो बहुत घबरा रहा था। वो कई बार तो कार के नीचे आते आते बचता है। देखते ही देखते 30वां लैप शुरू हो जाता है। थियो अपनी टीम के पास रिफ्रेशमेंट के लिए आता है। विप्लैश और उसकी सारी टीम उसका अच्छे से मेंटेनेंस करते हैं। विप्लैश उससे कहता है कि वो एक कार नहीं है बल्कि एक स्नेल है, इसलिए वो एक स्नेल की तरह रेस करे ना कि एक कार की तरह। वो फिर से रेस में शामिल हो जाता है और इस बार वो कॉन्फिडेंट लग रहा था। वो अपने आगे की कार्स के नीचे से निकलकर उनसे आगे निकल रहा था। ये देखकर सारे लोग उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। जेट भी उसे देखकर अब खुश हो रहा था। बहुत जल्द थियो की टक्कर गार्नियस के कार से होने लगती है। दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी आगे निकलने के चक्कर में ट्रैक में पड़े टायर के कुछ टुकड़ों से टकराकर थियो वहाँ की रेलिंग से जाकर टकरा जाता है। उसे बहुत चोट आती है, उसका सेल भी डैमेज हो जाता है। टीटू और उसके लोग उसे रेस से बाहर कर देने को कहते हैं, क्योंकि अगर एक और चोट लगी तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इसकी जान भी जा सकती है। पर थियो को अब वो सारी गाड़ियाँ एक टमाटर जैसी लगने लगती है और वो अपनी पूरी स्पीड के साथ रेस में आ जाता है और बहुत जल्द वो गार्नियस के कार के पास पहुँच जाता है। बीच बीच में उसका पावर खत्म हो जा रहा था, पर वो हार नहीं मानता है और वो बहुत जल्द गार्नियस के कार से भी आगे निकल जाता है। फाइनल लैप अब शुरू हो चुकी थी और थियो सबसे आगे चल रहा होता है। गार्नियस उससे किसी भी हालत में आगे निकलने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में वो भी उन टायर के टुकड़ों की तरफ चला जाता है और उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। पर वो अपने हाथ से थियो का सेल के ऊपर का हिस्सा निकाल देता है। सारी कार्स वहाँ गार्नियस के एक्सीडेंट से ट्रैक पे ही रुक जाती है। थियो भी घायल होकर वहीं गिरा था, उसका सेल टूट चुका था, वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पर वो अपने मंजिल के इतने करीब आकर हार नहीं मानना चाहता था। वो अपनी धीमी स्पीड से ही आगे बढ़ने लगता है। उसके हार न मानने वाले हौसले को देखकर वहाँ के सारे लोग उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। गार्नियस भी अपनी टूटी कार को हाथ से ही खींचकर फिनिशिंग लाइन तक लाने की कोशिश करने लगता है। वो किसी भी हालत में थियो को रोकने की कोशिश करता है, पर थियो सेल के अंदर घुसकर लुढ़कता है और फिनिशिंग लाइन को पार कर जाता है। वो ये रेस जीत चुका था। सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। थियो को चैंपियन कप दे दी जाती है। टीटू और वहाँ के बाकी सभी दुकान की किस्मत अब बदल चुकी थी, क्योंकि उनका वो प्लाजा अब फेमस हो चुका था। थियो का टूटा हुआ सेल भी अब रिकवर हो चुका था और उसका पावर भी वापस आ चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।